हेलो टॉपर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आप देखेंगे फंगल डिसीज के बारे में कि ऐसी डिसीज जो फंगस से हो जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फंगल डिसीज। हम चल रहे हैं क्लास 12th में, चैप्टर 8 में, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो देखिए, व्हाट इज फंगल डिसीज। फंगल डिसीज में जो हमारी डिसीज पढ़ाई जाती है वो क्या है, रिंग वर्म। इसके बारे में हम देखते हैं। भाई देखिए, सीधी बात ये है, फंगल डिसीज किसे कहते हैं, ऐसी डिसीज जो फंगस से हो जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे, फंगल डिसीज कहते हैं। फंगस क्या है, फफूंदी वगैरह जो होती है, नॉर्मल गांव की भाषा में, शहर की भाषा में, एक नॉर्मल देसी भाषा में आप समझ रहे हैं, तो फफूंदी वगैरह जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, फंगस कहते हैं। ये फफूंदी फंगस ये बहुत कई तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह के ये फंगस होते हैं। तो उनमें कुछ फंगस ऐसे हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल भी हैं और कुछ हार्मफुल भी हैं। और भैया जो डिसीज कर रहे हैं वो फंगस, वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। तो ये रिंगवर्म जो डिसीज हो रही है, दाद खाज की जो डिसीज हो रही है, वो किससे हो रही है वो ये देख लेते हैं। स्पेशल हमारे कौन कौन से फंगस हैं, तो यहां पे आ जाएगा कॉज्ड बाय जेनेरा। पहला वाला कौन सा है भैया, माइक्रो स्पोरम। दूसरा वाला कौन सा है, ट्राइको फाइटोन। और तीसरा वाला कौन सा है, एपी डर्मो फाइटोन। ये तीन स्पेशल जेनेरा हैं जो कौन से डिसीज करते हैं, रिंगवर्म डिसीज करते हैं। अब ये रिंगवर्म डिसीज जो हो रही है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे जाती है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके सिर में रिंगवर्म है, तो उसके कोम्ब से कंघे से आपने अपना सिर सही से संवार लिया, तो इसका मतलब क्या, आपको भी डिसीज हो जाएगी, आपको भी रिंगवर्म हो जाएगी। उसके कपड़े आपने पहन लिए तो आपको भी रिंगवर्म डिसीज हो जाएगी। उसका टॉवेल्स वगैरह से आपने अपने शरीर को पोंछ लिया तो आपको भी डिसीज हो जाएगी। उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए, उससे हैंडशेक वगैरह कर लिया और हैंड्स में यहाँ पे उसके डिसीज है, तो वो आपकी भी डिसीज हो जाएगी। और ये जो डिसीज है रिंगवर्म की, ये सॉइल से भी ट्रांसमिट होती है। तो हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कैसे होता है, टू शेयर क्लॉथ्स टॉवेल्स कॉम्स एटीसी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू इन्फेक्टेड पर्सन और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू इन्फेक्टेड पर्सन और सॉइल। तो ये जो डिसीज है सॉइल से भी हो सकती है। अब बात आती है कि ये जो फंगस हैं, आपने देखा होगा फंगस मेनली कहां ग्रो करता है, जहां मॉइस्चर ज्यादा होगा, जहां हीट ज्यादा हुई, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां मॉइस्चर ग्रो करेगा। तो जहां पर हीट है, मॉइस्चर है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, वहां पर सूटेबल कंडीशन हो जाती है फंगस को ग्रो करने में। यानी कौन कौन से फंगस, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपीडर्मोफाइटोन। तो अब देखते हैं, यहां पे स्पेशल नोट लिखना चाहे तो लिख लें, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प टू ग्रो
फंगस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोइन ग्रोइंस हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज ग्रोइंस बिटवीन टॉज ईटीसी। मॉइस्चर और हीट जो है फंगस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर, जैसे कि ग्रोइंस, ये हमारा एब्डोमिनल का और ये जांग का जो बीच का हिस्सा होता है, थाई और एब्डोमिनल का बीच का जो हिस्सा होता है इसको हम ग्रोइंस कहते हैं, यहाँ फंगस के ग्रो करने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। टॉस, यहाँ उंगली जो पैर की होती है उनके बीच में भी ये फंगस के ग्रो करने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। कौन सी कंडीशन में चांस होते हैं, हीट और मॉइस्चर वाली कंडीशन में इनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब ये बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स मैं बात तो किस पे आती है, सिम्टम्स पे आती है। भैया सीधी बात ये है कि जहां पर दाद खाज वगैरह हो जाते हैं तो वहां खुजली चलती है, तीव्र खुजली चलती है, मन करता है खुजाते चले जाओ, खुजाते चले जाता है। तो फिर वहां पे क्या सिम्टम्स नजर आने लगता है कि वहां पे स्किन ड्राई होती है वहां पर स्किन, और स्किन की चमड़ी सी उधड़ने लगती है, हमारी स्किन उधड़ने लगती है और वहां पर घाव तक बन जाते हैं। तो ये इसका क्या है, सिम्टम्स है। ठीक, ड्राई एंड स्केली लेसन्स ऑन स्किन स्काल्प एंड नेल्स ईटीसी विद विद इंटेंस एचिंग। जहां पर ये रिंगवर्म होता है, जैसे कि हमारे स्किन पर अलग अलग हो गया, स्काल्प मींस खोपड़ी की जो स्किन होती है, खाल होती है, वहां पर रिंगवर्म हो गया, और नेल्स हैं ये जो हैं, तो वहां पर नेल्स के पीछे वाले ये जो हिस्से होते हैं नेल्स पे, तो वहां पर स्किन ड्राई होने लगती है, परतदार चमड़ी सी उधड़ने लगती है और वहां पर घाव से बन जाते हैं और बहुत तेज इचिंग होती है, खुजली चलती है। तो ये हमारे इसके सिम्टम्स हैं। किसके सिम्टम्स हैं, रिंगवर्म के सिम्टम्स हैं। दोस्तों आज हमने क्या देखा अभी कि ये जो है फंगल डिसीज के बारे में देखा, रिंगवर्म ऐसी डिसीज है जो फंगस से होती है, नहीं बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती है। रिंगवर्म को करने वाले तीन जेनेरा हैं। आपको जेनेरा तो 11th क्लास में आप समझ लिए होंगे, जीनस को जेनेरा कहते हैं। तो इसमें ये माइक्रोस्पोरम जेनेरा, इसमें ढेर सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। तो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन इन जेनेरा से, किसके जेनेरा हैं, ये फंगस के जेनेरा हैं, इन जेनेरा से रिंगवर्म डिसीज होती है। कैसे, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में रिंगवर्म जाती है कि क्लॉथ अगर इन्फेक्टेड पर्सन के हम यूज कर लें, टॉवल्स कॉम से इस्तेमाल कर लें, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चली जाएगी डिसीज, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाए और ये डिसीज सॉइल से भी ट्रांसमिट होती है। अगर ये कोई इनमें से सॉइल में पड़ा हुआ है और वो हमारी स्किन के साथ कॉन्टेक्ट में आ गया तो वहां पर रिंगवर्म डिसीज हो जाएगी, यानी ये ग्रो कर जाएंगे। एक शर्त है ग्रो करने की, वो क्या है कि वहां पर हीट टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए जब, और मॉइस्चर होना चाहिए। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर ये फंगस ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रोइंस है और टॉग्स के बीच में ये ग्रो कर जाते हैं। ग्रोइंस को हम क्या कहते हैं,
बताइए, एब्डोमेन और थाई के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रंथि कहेंगे। अब बात आती है सिम्टम्स की। सिम्टम्स जो हैं इसके क्या क्या होते हैं? सीधी बात है, बहुत तेज खुजली होती है, वहां पर स्किन सूखी सी हो जाती है, परतदार चमड़ी से उधड़ने लगती है और वहां पर घाव बन जाते हैं जहां पर इसका इन्फेक्शन होता है। तो ये हमारा था रिंगवर्म डिसीज के बारे में, आपने देखा जो फंगस से होते हैं। हेलमिंथ डिसीज के बारे में, हेलमिंथिक डिसीज, इनके बारे में देखते हैं। जो हमारी डिसीज है पहली वाली कौन सी है? एस्केरियसिस। एस्केरियसिस जो डिसीज है ये किससे हो रही है? कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से कौन सी डिसीज हो रही है? एस्केरियसिस डिसीज हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म कहते हैं। अब ये बात आती है कि जो एस्केरियसिस जो डिसीज है किससे हो रही है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से हो रही है, जिनको हम नॉर्मली कॉमनली राउंड वर्म कहते हैं। अब वही वाली बात आती है भाई कि ये जो है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करती है? इंटेस्टिनल एरिया को अफेक्टेड टू इंटेस्टाइन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? भाई ये बताओ, सीधी वाली बात यह है कि जिस पर्सन को ये एस्केरियसिस है तो वो उसके जो एग्स हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के जो एग्स हैं, जो अंडे हैं, उस पर्सन के लेट्रिन में जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट में बाहर जाएंगे और वो जहां पर गिरेंगे, जहां पर वो लेट्रिन करेगा, जहां पर वो फ्रेश होगा, वहां पर उसके अंडे निकल गए हैं। तो अब वहां के पानी को, वाटर को इन्फेक्ट करेंगे और वहां के प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे। और हेल्दी पर्सन में तो वहां के प्लांट्स के यानी सब्जियों के थ्रू चिपक के अंडे उसके हेल्दी पर्सन में आ सकते हैं, फ्रूट्स के थ्रू हेल्दी पर्सन में आ सकते हैं, और या फिर कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर के थ्रू ये हेल्दी पर्सन में आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एग्स ऑफ पैरासाइट का मतलब क्या? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, इसके एग्स एक्सक्रीट इन फीकस, एक्सक्रीट इन फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। एंड कंटेमिनेट टू वाटर एंड प्लांट्स, वाटर और प्लांट्स को ये फिर दूषित कर देते हैं। इन्फेक्शन कैसे होगा? इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय
इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय कंटेमिनेटेड फूड, जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स ईटीसी एंड वाटर, इससे हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर कंटेमिनेटेड फूड को, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह को या फिर पानी को हम पी लेते हैं, कौन से कंटेमिनेटेड का मतलब है कि जिसमें इसके एग्स मिले हुए हैं, मिक्सचर है, अगर उसको हम पी लेते हैं तो हमें भी क्या हो जाएगी, एस्किरियसिस डिजीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स देख लीजिए, सबसे पहला इंटेस्टाइन को ये क्या करता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, हमारे जो बॉडी ऑर्गन इंटेस्टाइन उसको अफेक्ट करता है। तो ये जब ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो एब्डोमिनल पेन होने लगता है, एब्डोमिनल पेन। दूसरा वाला, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तीसरा वाला जो है वो क्या है कि इंटेस्टिनल पैसेज ब्लॉक भी हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, इंटेस्टिनल पैसेज ब्लॉक हो जाता है। और फिर डी वाला क्या है, हेडक होने लगता है, नोस हुआ, जी मिचलाने लगता है। इसका ये भी सिम्टम्स है, फीवर होने लगता है, इनडाइजेशन होने लगता है, इनडाइजेशन भी होने लगता है। तो ये हमारे ढेर सारे सिम्टम्स हैं। हेलमिंथिक डिसीज कौन सी, हमारी एस्केरियसिस है। एस्केरियसिस किससे हो रही है, एस्केरिस लुम्बरिकॉइडिस से हो रही है, जिसको हम कॉमनली राउंडवर्म कहते हैं। ये हमारा बॉडी का अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, स्पेशली हमारे इंटेस्टाइन है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है, अगर इसके एग्स वाटर और फूड में मिल जाते हैं और उसको हेल्दी पर्सन ले लेता है तो फिर क्या हो जाता है, उसको भी एस्केरिस डिसीज हो जाती है। सिम्टम्स क्या है, पेट में दर्द होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जब ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इंटेस्टिनल पैसेज ब्लॉक हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है, नोस जी मिचलाने लगता है, फीवर बुखार होने लगता है, इंडाइजेशन होने लगता है, अपच की बीमारी भी हो जाती है। तो ये हमारे इसके सिम्टम्स थे। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है क्या, हेलमिंथिक डिसीज स्पेशली एस्केरियसिस। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी। सेकेंड डिसीज है हेलमिंथिक डिसीज, वो है एलिफेंटियसिस। एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस का दूसरा नाम क्या है, और फिलेरियसिस। ये हमारी दूसरी डिसीज है, हेलमिंथिक डिसीज। अब बात ये आती है कि एलिफेंटियसिस या फिलेरियसिस, ये डिसीज किससे होती है, कॉज्ड बाय बुकेरेरिया, बुकेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, एंड बुकेरेरिया
मलाई। ये डब्लू कैपिटल में है। बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड बुकेरेरिया मलाई। एंड की जगह आप और कर लें तो ज्यादा बेटर है, किसी से भी ये हो सकती है। बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से भी ये डिसीज हो सकती है और बुकेरेरिया मलाई से भी ये डिसीज हो सकती है। कौन सी डिसीज? एलिफेंटियसिस और फिलेरियसिस डिसीज हो सकती है। अब इसका वेक्टर कौन सा है जो इसको कैरी करता है, इस पैरासाइट को कैरी करता है, इस वॉर्म को जो कैरी करता है, इसका वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसका जो वेक्टर कौन सा? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फीमेल क्यूलेक्स इसका वेक्टर है, यानी कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जिसको खा गया और जब उसके अंदर ये पैरासाइट है तो उसको कौन सी डिसीज हो जाएगी? एलिफेंटियसिस डिसीज हो जाएगी या फिर फिलेरियसिस डिसीज हो जाएगी। इसका एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इसका नाम जो एलिफेंटियसिस पड़ा है वो हाथी पांव डिसीज भी हम इसे हिंदी में कहते हैं, हाथी पांव रोग, क्योंकि जहां पर ये डिसीज होती है वहां पर स्वेलिंग करती है। जिस ऑर्गन में ये बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी या बुकेरेरिया मलाई ये पैरासाइट जिस हमारे ऑर्गन में रहेगा वहां पर इन्फ्लेमेशन दे देगा, स्वेलिंग देगा, और ह्यूमन के ये लोअर लिम्स को ज्यादा इन्फेक्ट करती है, लोअर लिम्स को। तो वहां पर क्या है कि जो लिम्फ वेसल्स हैं वो ब्लॉकेज होने लगती हैं, जिससे कि जो पैर है वो मोटा होने लगता है। इसी बेसिस पर इसका नाम क्या रखा गया? एलिफेंटियसिस, यानी हाथी के पैर जैसी डिसीज होती है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या होंगे भाई इसके? इफेक्टेड इफेक्टेड ऑर्गन गेट स्वेलन। कॉमनली लोअर लिम्ब अफेक्ट एंड लिम्फ वेसल्स ब्लॉक बाय विच लोअर लिम्ब गेट स्वेलन। एंड look like elephant leg, therefore this disease called एलिफेंटियसिस डिसीज। तो ये जो डिसीज है ये इसका जो पैर है अफेक्टेड पर्सन का कैसा दिखाई देने लगता है? एलिफेंट
एलिफेंट के पैर जैसा ये दिखाई देने लगता है, इसीलिए इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, एलिफेंटियसिस डिसीज कहते हैं। एलिफेंट यहां पर टी आई ए है, एलिफेंटियसिस और फिलेरियसिस डिसीज इसको हम कहते हैं। तो ये हमारी हेलमिंथिक डिसीज का सेकंड टाइप था, एलिफेंटियसिस और फिलेरियसिस डिसीज। अब जो नॉर्मल देखते हैं, हमने कुछ ऐसी डिसीज के बारे में अब तक आपको बताया है जो हमारी डिसीज कम्युनिकेबल डिसीज थी, यानी कि वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में हो सकती थी, ऐसी डिसीज के बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हमारी हेडिंग है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टू कम्युनिकेबल डिसीज। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टू कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल जो डिसीज है, जो एक पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन में हो रही है, उनको बचा उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये पहली जो डिसीज है जो आसानी से कंटेमिनेटेड फूड वाटर से दूसरे हेल्दी पर्सन में हो रही है, तो पहला अलार्म कर सकते हैं स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेन चीज ये है, दो इसमें आ जाएंगे भाई, एक तो पर्सनल हाइजीन आ जाएगा और एक पब्लिक हाइजीन आ जाएगा, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का मतलब खुद की साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम कहीं बाहर से आए हैं, हमें खाना खाना चाहिए, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, तो ये जो है पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। और दूसरी वाली बात है पब्लिक हाइजीन, उसे कहते हैं जहां पर हम पब्लिक प्लेसेस पे ज्यादा रह रहे हैं, जैसे हम जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वहां पर बस वगैरह में यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पर भी साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। किसी के पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर भी साफ सफाई होना जरूरी है, जिससे कि हमें इन बीमारियों से, इन डिसीज से हम बच सकें। दूसरी वाली बात आती है कि एयरबॉर्न डिसीज से कैसे बच सकते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बना के रखें, टू डिस्टेंस इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बना के रखेंगे तो क्या होगा, एयरबॉर्न डिसीज से भी हम बच सकते हैं। तीसरी वाली जो बात आती है, ऐसी डिसीज जो वेक्टर से हो रही है, जैसे फीमेल एनाफिलीज है, आपने देखा होगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो डिसीज कर रहा था, जो एलिफेंटियसिस डिसीज जो हो रही थी, एडीज एजिप्टी डिसीज कर रहा था, डेंगू वगैरह कर रहा था, तो हम ये देख सकते हैं कि वेक्टर से जो डिसीज होती है, वेक्टर बॉर्न डिसीज, या फिर वेक्टर से जो डिसीज होती है, हम उनको कैसे कर सकते हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीज। वेक्टर बॉर्न डिसीज का क्या है भैया,
हमें वेक्टर को इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, मच्छरदानी वगैरह का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और तालाब वगैरह में जहाँ स्टेग्नेंट वाटर है उसको इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। स्टेग्नेंट वाटर जहाँ भरा हुआ पानी या मच्छर अपने अंडे दे सके, और तालाब वगैरह है तो उसमें गेम्बूस या फिस्को में छोड़ देना चाहिए जो मच्छर के अंडों को खा जाती है और मच्छर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये हमारी जो बात हो गई, जिसकी वजह से हम वेक्टर बॉर्न डिसीज से भी छुटकारा पा सकते हैं। और वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए समय समय पर पर्टिकुलर डिसीज की। अगर कोई डिसीज है जैसे COVID-19 चल रहा है, अभी इसकी वैक्सीन बनी नहीं है, लेकिन जैसे पोलियो वायरस खत्म कर दिया, डिप्थीरिया खत्म होने लग गया है, डिप्थीरिया बहुत कम हो रहा है, टिट्रिस बहुत कम हो रहा है, तो उसकी वैक्सीनेशन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी इम्यूनाइजेशन को बढ़ाना चाहिए। ठीक, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के वैक्सीनेशन के थ्रू भी हम डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेथड थे, कुछ प्रिवेंशन थे, इससे कि हम कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।